हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शिव मिश्रा। आज हम लोग समझेंगे एक्सेल के कुछ फॉर्मूले, जिसमें आपका सम के अलावा बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे। तो आइए हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नोट करके पहले से रखा हुआ है, पावर हम समझेंगे, फैक्ट समझेंगे, काउंट समझेंगे, डेट समझेंगे, टुडे समझेंगे, स्क्यूआरटी समझेंगे, मॉड समझेंगे और समिफ समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पावर से। तो पावर यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू पी ओ डब्ल्यू ई आर, पावर, और पैरेंथेसिस ओपन, शिफ्ट के साथ 9 हमने प्रेस किया। और यहां हम कितना हमको देना है, नंबर हमने प्रेस कर दिया, पावर 3। यहां पे इसका पावर, इसका पावर आ गया, देखिए 7 × 7 × 7 यानी कि 343। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट एफ ए सी टी फैक्ट एंड पैरेंथेसिस ओपन और यहां पे 1 सॉरी यहां पे हम लिख देते हैं यहां पे 6 यहां पे ब्रैकेट क्लोज और इसका आंसर 720 यानी कि इसका आंसर कैसे आया है, फैक्टोरियल निकाला गया है। यहां पे देखेंगे कैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 720। नेक्स्ट काउंट सी इक्वल टू सी ओ यू एन टी काउंट और यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया और यहाँ पे कह रहा है वैल्यू 1। तो इसके लिए हमको पहले एरिया यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने एरिया यहाँ से लिया B1 से लेके B5 तक का एरिया ले लिया हमने, B1 से लेके B5 तक का। हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो अभी यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है। अगर यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, जैसे नंबर से लिखेंगे 45 6 3 2 5, तो हमने 4 नंबर्स इसमें यानी कि 4 सेल्स में हम नंबर इसमें फिल कर दिया और फिल कर दिया। तो यहाँ देखिए वैल्यू इसकी 4 आ रही है। अब हमने एक इसमें से अगर डिलीट कर दें तो यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि ये काउंट कर रहा है, नंबर को काउंट कर रहा है। नेक्स्ट आपका डेट इक्वल टू डी ए टी ई डेट और ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे दिया है आपका ईयर, हमने दे दिया 2019, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, 12 दिसंबर का महीना चल रहा है और आज कितनी तारीख है, आज है 20 यानी कि 20। ब्रैकेट क्लोज एंटर, देखिए डेट की फॉर्मेट बदल गया। चूंकि यहाँ पे पहले MMDDYY, चूंकि कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट MMDDYY में होता है तो इसलिए ये MMDDYY उठा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है टूडे, इसमें इनको कुछ नहीं करना होता है, केवल लिखना होगा TODAY टूडे और ब्रैकेट क्लोज ओपन और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, देखिए इसमें डायरेक्ट आ गया। तो ये डेट के फॉर्मूले से भी हम चाहे तो डेट को इनपुट करा सकते हैं और टुडे से भी आ सकता है। नेक्स्ट आपका है SQRT और स्क्वायर रूट है यहाँ पे, मान लीजिए हमने यहाँ पे 9 दिया तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो मॉड, अब ये मॉड देख लेते हैं, मॉड का काम क्या है, यहाँ पे M O D हमने लिखा यहाँ पे और सिर्फ के साथ 9 हमने प्रेस कर दिया और यहाँ पे हमने दे दिया मान लीजिए 122 यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे मान लीजिए हम 12 से भाग दे रहे हैं इसमें। अब यहाँ पे 12 से हमने इसको डिवाइड कर दिया और इसका जितना रिमाइंडर आएगा वही दिखाएगा यहाँ पे। देखिए इसका रिमाइंडर आया 2 और यहाँ पे 2 दिखा रहा है क्योंकि 12 10 आपका 120 हो जाएगा, 120 उसके बाद 2 आपका रिमाइंडर बच गया, बचा आपका समिफ। तो आइए समिफ को समझ लेते हैं। समिफ को समझने के लिए हमको यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिखाना होगा, कुछ सेल्स दिखाने होंगे। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम समिफ के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह पहले खाली कर लेते हैं ताकि समिफ को हम समझा पाएंगे। यहाँ पे हमने मर्ज सेल कर दिया, यहाँ पे हम फॉर्मूले का नाम लिखेंगे SUMIF समिफ। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने, उसका कलर दे दिया, क्लियर। अब यहाँ पे हम कुछ सेल्स लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे DEO ए देवरिया, यहाँ लिखा हमने गुप्त, यहाँ लिखा हमने बस्ती AASTI, यहाँ लिखा हमने फिर से DEORIA देवरिया, यहाँ हमने लिखा यहाँ पे बस्ती, यहाँ फिर से मिल गया देवरिया। चलिए
अब इतने सारे हमने एरिया के नाम हमने लिख दिए अपने, और उसके बाद यहाँ पे हम सेल्स लिखते हैं, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया और यहाँ पे हमने सेल्स लिखे, ठीक है। ये सेल्स लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 12,350 रुपए की सेल हुई, ठीक है। यहाँ पे हुआ आपका 17,950 की सेल हुई, यहाँ पे आपका 3200 की सेल हुई, यहाँ पे आपकी दोबारा फिर सेल देवरिया में हुई आपकी सेल 4500, ठीक है। बस्ती में सेल आपकी दोबारा फिर हुई 16,000 की, और फिर देवरिया में आपकी सेल हो गई 3,000 की। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम समिफ का यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको क्राइटेरिया भी देना होगा, तो यहाँ पे हम समिफ का यूज करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं समिफ को। इक्वल टू सम इफ, सम इफ, सम इफ, और ये हमारा रेंज पूछ रहा है, रेंज क्या हम रेंज देना चाहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे रेंज हमें सेलेक्ट कर दिया, चूंकि रेंज ये पूरा रेंज आ जाएगा तो ये पूरा रेंज हो जाएगा, तो हमें ये रेंज सेलेक्ट करना नहीं है, तो हमको यहां से कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा बाहर। तो आइए हम कहीं बाहर शिफ्ट कर लेते हैं, या फिर हम केवल इतना ही एरिया दे सकते थे, हम चाहते तो केवल इतना एरिया, जैसे मान लीजिए हमने यहीं पे सम लिखा, सम इफ, और यहाँ पे हम रेंज अगर हमको रेंज में यही रेंज हम केवल दिखा दें, केवल हम यहां से लेके यहां तक का रेंज ही दिखाएं, ये माउस से कर दिया हमने रेंज, यहाँ पे हमने कामा लगाया, क्राइटेरिया में हमने दे दिया यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में, यानी कि एल के सेकंड बार वाला बदर बटन है, और यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कामा लिखा, यहाँ पे लिखा देवरिया, डी ई ओ आर आई ए, इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर कामा लगाया हमने, फिर और कौन सा शहर है हमारे पास, तो गोरखपुर है, पहले हम बस्ती लिख सकते हैं, ठीक है, गोरखपुर लिखते हैं, गोरखपुर, ठीक है, इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर कामा हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्या है, बस्ती है, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे हम बस्ती, बी ए एस टी आई, चूंकि ये टेक्स्ट है इसलिए हमको इन्वर्टेड कामा में लिखना पड़ता है, फिर कामा लगाएंगे, इसके बाद से हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, फिर हम कामा लगा दिए यहाँ पे, तो अब है यहाँ पे पूछ रहा है सम रेंज, क्योंकि हमारे तीनों सेल के नाम तो हो गए हैं, और इसको हमको लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस में, लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमको कर्ली ब्रेसेस में, हमने लिखा यहाँ पे कॉमा लगा दिया हमने, ठीक है। और इसके बाद से हम हमको क्या करना पड़ेगा, पूछ रहा है सम रेंज, सम रेंज में क्या करना चाहते हैं हम सम रेंज में ये करना चाहते हैं, क्लियर। और यहाँ पे फिर हम नॉर्मल ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे, देखिए ये सेल आ गई, हमारी वैल्यू आ गई है, क्लियर। अब ये वैल्यू किसकी है, ये देवरिया की वैल्यू है। नेक्स्ट अगर हमको इसके बाद चाहिए तो यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे हम, और देवरिया हो गया, ये गोरखपुर का हो गया, फिर नेक्स्ट आपका है बस्ती का, तीन हमारे पास हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, हमने यहाँ पे F2 प्रेस किया और यहाँ पे हमने कर दिया कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तीनों अलग 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 सेल्स हमारे पास आ गए, तीन तीनों को कैलकुलेट कर दिया और तीनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सेल्स थे उसकी वैल्यू हमारे सामने आ गई। तो ये हमारा एरिया था, ये हमारा क्या था, सेल्स, सेल्स थे, क्लियर। तो उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो हमको आपको समझ में आएगी, अच्छा लगेगा आपको वीडियो, ये देवरिया का है, नेक्स्ट आपका ये गोरखपुर, यहां से देखिए हम यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं, यहां से कॉपी करके यहाँ पे लाके हम पेस्ट भी कर सकते हैं कंट्रोल वी, इससे भी हमारी वैल्यू आ जाएगी, और देखिए यहाँ सामने हमारी वैल्यू आ चुकी है, और ये क्लास नाइन्थ के लिए हमने बनाया है वीडियो, क्योंकि क्लास नाइन्थ की किताब में ये सारे वीडियो सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो क्लास नाइन्थ के लिए उम्मीद करेंगे क्लास नाइन्थ और टेंथ वाले दोनों लोग देखेंगे इस वीडियो को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।